हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ क्लासिफिकेशंस के बारे में जो ब्रिक्स के क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन फील्ड प्रैक्टिसेस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आईएस क्लासिफिकेशंस जो आईएस कोड के बेसिस पर है, और उसके यूजर्स के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे बेस्ड ऑन फील्ड प्रैक्टिसेस, तो हम देखेंगे कि ब्रिक को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ब्रिक की स्टडी करते हैं और उन्हें चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरी कहलाती है सेकेंड क्लास ब्रिक, तीसरी कहलाती है थर्ड क्लास ब्रिक, और चौथी कहलाती है फोर्थ क्लास ब्रिक, या इसको हम कई बार जामा ब्रिक्स भी कहते हैं। तो अगर हम कहें फर्स्ट क्लास ब्रिक, तो इसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो क्योंकि अगर एक ही साथ मैन्युफैक्चर हुए सारे ब्रिक्स, उसमें से हम उस लॉट को फर्स्ट क्लास ब्रिक कहेंगे, जिसमें थॉरली बर्न्ड ब्रिक्स होंगी, सबका यूनिफॉर्म रेड चेरी कलर होगा या कॉपर कलर होगा, उन ब्रिक्स को हम क्लास वन कैटेगरी में डालेंगे। अगर हम देखें तो उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई पोर्स नहीं होना चाहिए, उसके जो एजेस है वो शार्प होनी चाहिए, उसके अपोजिट सर्फेसिस पैरेलल होना चाहिए, एडजेसेंट सर्फेसिस परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर हमने इसको ब्रेक किया तो उसके टेक्सचर में कोई फ्लॉज नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, स्टोन्स नहीं होना चाहिए, लम्ब्स नहीं होना चाहिए, तो इनका टेक्सचर पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप इसको थम नेल्स उसको स्क्रैच करें तो उसके ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि सर्फेस हार्ड है और उसमें कोई लम्ब्स ऑफ लाइम भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दो ब्रिक को अगर साउंड स्ट्रक करें टुगेदर, तो उसमें मेटलिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 12-15% के बीच में होना चाहिए, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 N/mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ये सारी प्रॉपर्टीज वाली ब्रिक्स जो है वो कहलाती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। अब सेकंड क्लास ब्रिक्स जो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स जो है वो कहाँ यूज होती है? अगर मान लीजिए आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जहाँ केवल पॉइंटिंग का वर्क करना है, तो एक्सपोज रहेगा मेसनरी स्ट्रक्चर, कहीं पर फ्लोर है, कहीं पर रिइंफोर्स ब्रिक वर्क है, तो वहां पर आप इस तरह के ब्रिक्स को प्रिफर करते हैं। अब देखें हम सेकंड क्लास ब्रिक में क्या है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्लास ब्रिक में है उसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रैक्स या डिस्टॉर्शन परमिटेड होते हैं। यहाँ पर इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 16-20% के बीच में रहती है, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 7 N/mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो इनका अब यूसेज कहाँ रहेगा? अगर आपको यूसेज करना है इन सेकंड क्लास ब्रिक को, तो आप उसको कर सकते हो कि जो भी हिडन स्ट्रक्चर्स है, हिडन से मतलब है कि जो भी सपोज हमारे घरों में जो वॉल बनती है उसको हम हाइड कर देते हैं प्लास्टर से, तो अगर ऐसी जगह आप यूज कर रहे हो या रीइंफोर्स कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट की स्ट्रक्चर्स उसको आप कवर करने वाले हैं, तो अब उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, या कहीं पर सेंटरिंग प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो वहां पर आप टेम्परेट स्ट्रक्चर में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम थर्ड क्लास को देखें तो थर्ड क्लास ब्रिक थोड़ा सा सेकंड क्लास से और लोअर होती हैं, और उसमें क्या होता है जब आप देखेंगे तो वो प्रॉपरली बर्न्ड नहीं है, कुछ पार्ट अनबर्न्ड है, कुछ डार्क कलर का है, कुछ लाइट कलर का है, और उस पर अगर आपने उनको स्ट्रक किया आपस में तो मेटलिक रिंगिंग साउंड की जगह वहां पर डल साउंड आएगा, और इसके बाद इसके वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 25% के आसपास हो सकता है, और हमको इसीलिए क्योंकि इसकी क्वालिटीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में। और यहाँ पे ध्यान देना है कि थर्ड क्लास ब्रिक में या किसी भी तरह के ब्रिक में 3.5 N/mm² से कम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए, परमिटेड नहीं है। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक को, जिसमें हमने कहा है जामा ब्रिक या फोर्थ क्लास ब्रिक। ये जो है ब्रिक होते हैं ये बहुत बैडली ओवरबर्न्ड होते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इनका शेप भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब क्योंकि हम इसका शेप डिस्टॉर्टेड है तो हम लेयर बाय लेयर इसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं इसको फाउंडेशन में डाल देते हैं, उसके पीसेस करके उसके कॉन्क्रीट जो फ्लोर पे हो रहे हैं वहां डाल देते हैं, या कहीं सड़क बन रही है वहां पर उसको प्लेस कर देते हैं एज अ रोड मेटल, तो वहां पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो इनकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, बट अदरवाइज लुक वाइज ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं रहते। अब अगला देखें तो जो अगला क्लासिफिकेशन है वो BIS क्लासिफिकेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है, जो कि प्योरली उसकी स्ट्रेंथ पर बेस्ड है।
तो स्ट्रेंथ वाइज कोड आईएस कोड 1077 जो है वो डिवाइड वो कहता है कि कैटेगरी को कि जितनी उसकी एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कोई भी ब्रिक की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है तो हम उसको उस तरह से नाम डिजिग्नेट करते हैं। जैसे अगर एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 35 न्यूटन पर स्क्वायर तो उसको क्लास 35 कहेंगे, और क्लास 30 कह रहे हैं तो उस केस में रहेगा 30 न्यूटन पर स्क्वायर की एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहेगी, एंड सो ऑन। एक एक लेवल उसका है 25 का, फिर है 20 का, फिर है 1.5 का, फिर है 12.5 का, फिर है 10 का, फिर है 5 का, फिर 3.75, ऐसे कई कैटेगरीज हैं जो उसमें डिवाइड होती हैं। और अगर ऐसी कोई ब्रिक है जिसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 40 न्यूटन पर स्क्वायर से ज्यादा है तो ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर्स में यूज किए जाते हैं जो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो वॉल जो लोड लेने वाली हैवी स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं वहां पर इनको हम यूज करते हैं। अब इन क्लासिफिकेशन के अलावा एक सब क्लासिफिकेशन भी होता है इसका आईएस क्लासिफिकेशन में, दैट इज सब क्लास ए और सब क्लास बी। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें आप कुछ टॉलरेंसेस के साथ में आप उसको एक्सेप्टेबल कर लेते हो। फॉर सपोज कि अगर आप उसके लेंथ विड्थ और हाइट को अगर आप डायमेंशन को चेक करेंगे तो सपोज मान लीजिए आपके पास 190 बाय 90 बाय 90 mm वाला ब्रिक आपके पास है मॉड्यूलर साइज वाला, तो उस केस में हम देखोगे अगर आपने दो ब्रिक को लगाया तो उसकी लेंथ होना चाहिए 380, लेकिन अगर ये 380 प्लस माइनस 12 के अंदर आ रही है तो सब क्लास ए बन जाएगा, लेकिन 380 प्लस माइनस 30 के में वेरिएशन हो रहा है अगर इसका डायमेंशन तो उस केस में ये सब क्लास बी कहलाएगी। ऐसे ही विथ में हम 180 प्लस माइनस 6 का वेरिएशन लेंगे और सब क्लास बी में अगर होगा तो प्लस माइनस 15 mm का वेरिएशन उसमें एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे ही हाइट में अगर 180 हाइट है, 90 mm वाली हाइट की ब्रिक है तो ब्रिक मिला दो ब्रिक मिला के हाइट होती है 180, और 180 में अगर प्लस माइनस 6 mm का डिफरेंस हो तो सब क्लास ए में आएगा, और प्लस माइनस 15 mm का डिफरेंस हो तो उसको हम कहते हैं सब क्लास बी में। तो ये आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे सब क्लास ए और बी उसका टॉलरेंस जो है डायमेंशन टॉलरेंस उसके बेसिस पर डिसाइड किए गए। सिमिलरली 4 सेंटीमीटर हाइट वाली ब्रिक के लिए टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6 दोनों ही क्लासेस में। और एक जो क्लासिफिकेशन फर्दर यहाँ पर है वह है ऑन द बेसिस ऑफ यू। तो इसमें हम कहते हैं कॉमन ब्रिक हो सकती है या फेसिंग ब्रिक हो सकती है या इंजीनियरिंग ब्रिक हो सकती है। अगर हम बात करें कि व्हाट इज कॉमन ब्रिक, जो कॉमन कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कर रहे हैं इकोनॉमिकली हमको मिल रहा है, बहुत उसमें अपीयरेंस वाला कोई चक्कर नहीं है, हम ऐसे यूज जेंटल है, स्ट्रेंथ में है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, उसको आप फिलिंग में यूज करना चाहते हो, बैकिंग में यूज करना चाहते हो, कवर में यूज करना चाहते हो, वॉल के अंदर जहाँ उसके अपीयरेंस का कोई रोल नहीं है, तो उस तरह की यूज वाले ब्रिक्स कहते हैं हम कॉमन यूज की ब्रिक्स है, दैट इज कॉमन ब्रिक्स। अगर हम जाएंगे कि नहीं हमको नेक्स्ट क्राइटेरिया देखना है तो दैट इज फेसिंग ब्रिक। फेसिंग ब्रिक्स में उसकी परफॉर्मेंस, मैकेनिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ उसका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमको क्या कलर चाहिए, क्या टेक्सचर चाहिए, तो उसको हमें उस तरह से कैटेगराइज करके जिसका अपीयरेंस अच्छा हो वो ब्रिक को हम फेसिंग ब्रिक कहेंगे। ये सीवियर सीवियर एटमोसफेयरिक कंडीशन या सीवियर एक्सपोजर्स को भी ईजिली बियर कर लेता है और जो हमें प्लीजिंग अपीयरेंस चाहिए डिजायर्ड है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी थर्ड कैटेगरी है दैट इज इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे ये स्ट्रांग होना चाहिए, इम्परमिएबल होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, टेबल मोल्डेड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, और सारे जो डिफाइन लिमिट्स हैं एब्जॉर्प्शन की, लेंथ की, स्ट्रेंथ की, उसको ये फेस करना चाहिए, इसको ये थॉरली क्लियर करना चाहिए, और हम इनको यूज करते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड प्रैक्टिसेस, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, देन आईएस कोड जो स्ट्रेंथ के बेसिस पर देता है वो क्लासिफिकेशन था, और यूज के बेसिस पे देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फिनिश के बेसिस पे, उनकी बर्निंग के बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पर, और उनके जो यूज है उसके बेसिस पर, स्पेशल यूजर्स जो है उसके बेसिस पर हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।